हिमाचल पेंशनर संघ की प्रदेश इकाई के वर्ष 2019-21 अवधि के लिए द्विवार्षिक चुनाव पेंशनर भवन हमीरपुर में पर्यवेक्षक एल आर मेहता और एम आर चौधरी की देखरेख में संपन्न हुए। इस दौरान निवर्तमान कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की गतिविधियों के बारे में सभी को बताया गया। इसके बाद संघ के आय व्यय का ब्यूरो रखा गया। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की ओर से अपने समस्त कार्यकारिणी को भी भंग किया गया, जिसके बाद पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई। सर्वप्रथम हाउस में प्रधान पद का प्रस्ताव लाया गया, जिसके लिए सर्वसम्मति से योगी राज शर्मा को निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, जबकि मंडी के हरनाम सिंह को प्रदेश महासचिव और प्रदेश वित्त सचिव के पद पर ओम राज कंवर को चुना गया। हाउस के अनुमोदन पर बीडी शर्मा को संघ संस्थापक एवं विशेष सलाहकार और रमेश चंद भारद्वाज को संघ का मुख्य संरक्षक बनाया गया। संघ के हमीरपुर जिला प्रधान केसी गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से तय अवधि में पूरी की गई। इसके लिए उन्होंने सभी खंड पदाधिकारी एवं पेंशनरों के प्रयास की सराहना की। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने शिमला बस दुर्घटना में मारे गए बच्चों तथा घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दुर्घटना को सरकार की लापरवाही का एक और उदाहरण करार देते हुए कहा कि नूरपुर बस हादसे से शुरू हुआ ये सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार इन बस हादसों को रोकने में कोई भी प्रभावशाली कदम उठाने में असमर्थ रही है। उन्होंने कहा कि हर बस हादसे के बाद मृतकों एवं घायलों के परिवारों को मुआवजा देना तथाकथित जांच करवाने की रस्म अदायगी के साथ ही दुर्घटना को भूल दिया जाता है और जिन परिवारों के चिराग बुझ जाते हैं वे आजीवन उस दर्द को सहते हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि शिमला बस हादसे के उपरांत परिवहन मंत्री का आचरण तो पूर्णतः अवमाननीय रहा। शिमला अपने कार्यालय में होने के बावजूद मंत्री घटनास्थल पर नहीं पहुंचे और घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल तो पहुंचे, वो भी रात को करीब 8 बजे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को ऐसे संवेदनशील मंत्री को एक क्षण भी अपने मंत्रिमंडल में नहीं रखना चाहिए तथा हादसे के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। प्रदेश में फर्जी बीपीएल परिवारों को सूची से बाहर करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने नया फैसला लिया है। हर पंचायत में 1-3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो वर्तमान में पंचायत के बीपीएल सूची की जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। वर्तमान में प्रदेश की बीपीएल सूची में लगभग 2.5 लाख परिवार हैं। इनमें कई परिवार बीपीएल सूची में होने के मापदंड पर खरा नहीं उतरते हैं। इससे पूर्व किए जा चुके सरकारी सर्वे के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि कमेटी की जांच में 1 लाख से अधिक परिवार बाहर हो सकते हैं। 5 कमेटी में स्थानीय पंचायत सचिव पटवारी के अलावा राजस्व विभाग का प्रतिनिधि, बीडीओ का नामित एक कर्मचारी या पंचायती राज प्रतिनिधि में से एक सदस्य होगा। प्रदेश में 7 जुलाई को होने वाली बीपीएल सूची की समीक्षा के लिए प्रदेश ग्राम सभा से पहले एक कमेटी का गठन किया जाएगा। मनीष कुमार शर्मा, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी डीआरडीए कांगड़ा ने बताया कि बीपीएल सूची की समीक्षा बैठक के बारे में सभी पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं। उसी के अनुसार 3 सदस्य कमेटी का गठन किया जाएगा, जो बीपीएल सूची की जांच करेगी। उन्होंने बताया कि बीपीएल सूची में शामिल और नए नाम जोड़ने वाले परिवारों को एक शपथ पत्र भरकर देना होगा, जिसमें कुछ एक बिंदु शामिल हैं। जिला बिलासपुर की कल्लर पंचायत के पट्टा गांव में 25 वर्षीय विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक के पति, सास ससुर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर सत्र न्यायालय में पेश किया।
आपको बता दें कि पुलिस को मृतका का शव बरामद हुआ था और सुसाइड नोट भी था। पुलिस ने मृतका के शव का पोस्टमार्टम क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में करने की अपेक्षा जिला मंडी के नेर चौक स्थित मेडिकल कॉलेज में करवाया है। सदर पुलिस बिलासपुर के प्रवक्ता डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि कल्लर पंचायत के पट्टा गांव में 25 वर्षीय विवाहिता द्वारा आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के पति, सास ससुर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें कि इस संगीन मामले में पुलिस को मृतका के शव से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जिसमें मृतका ने अपनी आत्महत्या की जिम्मेदारी अपने पति, सास ससुर को ठहराया था। पुलिस ने इस आत्महत्या के मामले में धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर गहन छानबीन शुरू कर दी है, ताकि विवाहिता के द्वारा आत्महत्या से जुड़ी वास्तविकता सामने आए। डीएसपी संजय कुमार ने यह भी बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में करवाने की अपेक्षा जिला मंडी के नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज में करवाया गया। इसका मुख्य कारण ये रहा क्योंकि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं है।